हाड़ी है गई गजमोतनी, हाथ जोड़ के पति के आ गए और कह रही है महाराज मैं श्या फ्याप ने ना खाई तो रात में क्यों बुलवाया हूं। क्या कह रही है रानी मोत, क्या कहती है? अरे पिया में तो कावा करे रे दाखा आपने ना खाई वो तो सुपनों खाए गए। सुपने आदमी ने खा जाए तो सुपने के दांत ना होक रहे। सुपने की मत पूछे तू लगा, क्यों सुपनो तो बड़ो और टेढ़ खीर है सुपने की। तो सुपने को कहा है सुपने में आदमी भिखारी बन जाए, सुपने में आदमी राजा बन जाए, सुपने में आदमी मेरठ पहुंच जाए, सुपने में आज प्रधानमंत्री बन जाए, सुपने में रणवान के ब्याह है जाए। रणवान के ब्याह कैसे है जहाँ सुपने में है जाए सुपने में रणवान के ब्याह? भाई हमने तो ना सुने कबू। मैं सुने बिल्कुल ना। एक बकरियान को ग्वारी आओ, अच्छा भटन रणवाओ, पर जाने तू कैसे रणवा को ब्याह करवाना चाह। रणवा तीन तरह के हों, तीन क्वालिटी होती है रणवान। रणवान की क्वालिटी हो बिल्कुल अलग अलग। रणवा रंडूर और रंडूस, इनके कोई कंपनी है रणवान की? देख रंडवा तो उनसे कहे जिनकी बैयरवानी मर जाए, अच्छा वो तो रहे रंडवा। ठीक बात। और रंडूर वो रहे जो ओवर रेस तो है गए पर ऐसी आशा कोई अदले बदले थे पैसा धेली थे भाई कहूं थे कोई टपकाई दे, अच्छा वो रहे रंडूर। और रंडूस वो रहे जो जन्म के भटंट रहे, जो न काई की बारात में गए न काई के घर जेबे गए न काई उन्हें ब्याह होते ना देखे कि बार उठी दरवाजे में धरी जाए कि धरती में धरी जाए पता नहीं उनके लिए। ठीक बात। तो एक भटंट रंडवाओ साहब, अच्छो जी जंगल में थे बकरिया ने लाओ चराए के पानी पिवाए के छाया में बैठा दई और कुआ के मठ पे सोए गो। नीचे थे पानी की ठंड, ऊपर थे पीपर की छाया, जोर ते निंद्रा आई और नींद में आए के रंडवा को सुपनो दिख गयो और सुपने में वह भटंट रंडवा को बिहार को, अच्छा बिहार को सुपने में कुआ के मठ पे। हाँ भैया ने नवायो धवायो तेल चढ़ायो हरदी लगाई बेंदी लगाई काजर लगायो कखना बांधो रंडवा। हाँ कखना ना बंधे हाथ में, अच्छा कखना का बंध है? कखना बंध है ये कोड़ी लोग चल्ला गिरा रख रही है नीम को पत्ता छान को फूस बकरिया के बार भैया बांधनी जर गुजर को बांध दो करें। ठीक बात। अरे रंडवा की साहब सज के बारात गई है इक्का ते मोटर ते जीप ते जोंगा ते टांगे ते टट्टू ते मोटरसाइकिल ते और सब बस फसन ते बारात गई है रथ जगो भयो अरे रेंडा मचो। और रेंडा का होए? अरे रेंडा ना जाने तू बारात चली जाए जब खौरिया ना करे भैया बानी पीछे। ठीक। और साहब वो भटंट के फेरा पड़े और भटंट के बहु आई अटन बारात हेटी आ गई। भैया बानी ने सोची जन्म को भटंट रंडवाए अटंट बहु आई है चित्तर सारी में भेजो। चित्तर सारी में गयो साहब रंडवा, कुआ के मठ पर सुपने की बात है। ठीक बात। और साहब वहाँ वो भटंट ते अटंट कह रही है अजी पति महाराज त्यार खाट छोटी है नक पर एक सरकियो और भटंट ने करोट लई और धड़ाम कुआ में। तू कहे तो तेरो करवा दे सकारे आगरे में कोई अचल कुआ हुए तो भाई कोई मांस मरवान रहना कर। तो नल कह रहा है बरनी सुपने की तो बात छोड़ तू बता तो कैसे सुपनों दिखो। तो रानी गजवोतनी कह रही है महाराज सुपने की बात बताऊं तो ध्यान लगाए कि सुनो। हे महाराज मैं दो दिन पर मूंछ की सुपने में अरे पिया में तो कावा कह रही है दखा अपनो अब मोकू खोटो पिया दिखो एका सपनो अरे अद पर में तेरी डूब गई है नैया अरे जिए लाना में तो मुंद गए बाबा मैया अरे पिया इतनी रे कह ननी वायले बेगी अपनी रे भोज सयाले और मैया बापन की जिए लछुड़ाले दावेदार अरे गजमोतिनो रानी के I get moving it.
गई और तुम जान रहे हो कि गंगा स्नान कर रहे, कंठी प्रसादन की बात मत देखो, कहूं चनोरिन की बात देख रहे हो। तुम्हारे मैया बाप तो वहां पहुंच गए, वहां तो उनको नौकरी लग गई, मनिया डर आएगा नौकरी लग गई का जेल भाई उनकी। नलकिरा गलत बात है, ऐसा राजा संसार में कोई वीर राजा नहीं है जो मेरे मैया बापन की जेल कर दे, वो बामन करके मुकुट मंदिर आ जाए। अरे गजमोतनी बोली, महाराज शेर गुदो शेर गल्ले मिल जाए मुक्ते है। जल्दी करो, नहीं बोलो सही बात बताओ। तो गजमोतनी ने बात बताई, महाराज सुनो तुम्हारे पिता के साथ में क्या हाल हो रहा है। अच्छो जी, अरे पिया प्रथम पिता तुम्हारो और चखिया है पीसत पीसत हारो, दोने ननदे बहत बनारो, कैसी भी बताऊं। ए दोने ननदे बहत बनारो, कैसी भी बात। ए दोने ननदे बहत बनारो, कैसी भी बात है पाई। पिया प्रथम पिता तुम्हारो चाखिए पीसत पीसत हारो, दो नैनते बहत पनारो, कैसी विपत परी। और क्या कहिए, क्या कहिए। अरे जग में कितने दिन को मेला, और पिता के तो लगी रे हाथ हथेला, कई दिन नोई हिक जाए गो ठेला, कई दिन नोई हिक जाए गो ठेला, कैसी भी पता। ए कई दिन नोई हिक जाए गो ठेला, ढोला के प्रेमियों, मंजा गंगा स्नान से अगला ढोला हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं। फूल सिंह पंजाबी की लड़ाई और किस तरह से राजा नल, मनसुख गुजर और गजमोत्री ने अपने मैया बापन की जेल छुड़ाई, यह ढोला हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं, जिसके गायक हैं हरिराम गुजर, गांव अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान, और स्वर दे रहे हैं मास्टर रूप सिंह पपैया, और रिदम पर साथ दे रहे हैं हमारे रामवीर भैया, और चिमटा वालो छीतो तो नैया को पार लग भैया। हाँ, तो आपके सामने पेश है कि जिस समय मंजा रानी फूल सिंह पंजाबी कंपलगढ़ के महल के काग उड़ा रही है और राजा प्रथम पंजाबी की जेल में चाकी पीस रहा है, दोनों की जेल हो जाती है। और लाखा पंडित जो गढ़गंगा पे जो पत्थर की लाश बनाई फूल सिंह पंजाबी ने जादू थी, उनमें से निकल के समाचार लेकर के नरवर के लिए चल रहा है। अच्छो जी, राजा नल नरवर में अंब खास कचहरी में सो रहा है, घुमा सुरदानी की बेटी रानी गजमोतनी वो महल में सो रही है, और मंजा रानी जो इने लाला हाँ देवी की भगत थी। अच्छो, तो मंजा रानी पे योग क्रिया थी। ठीक बात, और योग क्रिया के बलते रानी मंजा अपने चोला छोड़ के रानी मंजा को हंसा उड़ जाए करे। अच्छो, आज रानी मंजा सोच रही है, क्या सोच रही है, कि जब तक मेरे बेटा और मेरी बहु गजमोतनी के लिए पतो नहीं चलेगा तो मेरी जेल कौन छुड़ाएगा। ना छुड़ा सके, आज पंजाबी के महल पे अपना चोला छोड़ दियो रानी मंजा ने, और चोला में ते निकर के मंजा को हंसा चील बन के गयो सक महल में। वहां पहुंच गो नरवरगढ़ में। ठीक बात, जहां शीश महल के अंदर गजमोतनी रानी सो रही। अच्छो जी, तो हंस चील बन के गयो, हंसार महल में प्रवेश हो गया। किस तरह से अपनी बहू को सपना देती है बताइयो। जाके मन की मिट गई मनसा,
सो रही है? मैं। और पलंग की पार्टी पे बैठ गए मंझा को हंसा। अच्छा जी। अरे हंसा भैया बैठ गयो रे पार्टी पे, हंसा बैठ गयो रे पार्टी पे, दो हाथ धरे छाती पे। बैठ गए छीतो और गजमोतनी की छाती पे हाथ धर दिए और सोमती हुई को सपना दे रही है और कह रही है, अरे बहुले सुकने नरावे सोवे, अरे तेरी सासा जेल पे रोवे, अरे बेटी कैसे नाए तेरे बाकी, तेरो ससारा जलाए रहो चाठी। अरे बेटी हमारी तो जेल है गई और तू सो रही है। अरे दावेदार इतनी कह के तो हंसा उड़ी गा, गई और गजमोतनी के लिए सपना दे दिया, अरे बेटी तू सुख निद्रा में सो रही है और हमारी कंपलगढ़ में जेल है गई, तेरो पिता चाकी पीस रो जेल के अंदर, मैं कंपलगढ़ के फूल सिंह पंजाबी के महल के काग उड़ा रही हूं और सपनों दे करके रानी मंजा को हंसा वाई खलका में चलो गए। अरे गजमोतनी जगी और महल में भगी, सपनों देखो ना पूरे महलन में डोल आई, प्रजा को सास लिया नहीं पाई, पूरे महल में डोल आई पर सास नहीं मिली। बिल्कुल बांदी बुलाई, बांदी क्या बात है रानी साहब, जइयो और मेरे बोल बलम को लइयो, जाओ हम खास कचहरी के लिए जाओ और मेरे राजा बुला के लाओ। अरे बांदी बोली राजा आवे कर रात में? अरे रात में तो आएगा, रात में ढूंढ टोटका नहीं आवे वो, जाओ। बिल्कुल आए। जब गजमोत्री की इतनी बात सुन करके बांदी राजा नल को बुलाने के लिए आधी रात के वक्त पे चल रही है, मेरे दोस्तों कैसे कैसे चली जल इतनी बात कही है, बांदी माते बाज दई है, संग में बेझा बात भई है, आधी सी रात गई है, जल वो भी सोच लई है, संग में बेझा बात भई है, जग बाकी ना रही है, महलन ते बांदी भाई चल के अंब खास पे आई, जरने कन करो झमेला, जब दियो तान के खेला, आधी रात के वक्त पे कचहरी पे पहुंच गई है बांदी और राजा नल को आवाज दे रही है, कैसे? अरे राजा जाग जाग उठ जा, अरे कैसे सोवे सुख निद्रा में, तेरी रानी खा गयो कारो, तेरी रानी खा गयो कारो, दरवाजे पे आई है और आकर के आवाज दी है कि राजा जाग जाग उठ जाग, कैसे सोवे सुख निंद्रा में रानी खाएगो कारो नागो। दोस्तों जो सोते हुए राजा नल ने ये बात बांदी के मुखारविंद से सुनी है कि रानी गजमोतनी को सर्प ने खा लिया। अब कोई आदमी आ बात सुन ले काउ बैयर बानी श्याप ने खा ली तो छीतो डटो जाए का। अरे काय बना डटो जाए,
भैया के मार दे हमारा रसोईया भग्गो देख ले। बिल्कुल। तो आधी रात पे चल दियो महलन में आवे राजन। बिल्कुल। कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, किस लिए आता है? तुहे पता ना किस लिए आवे? अच्छो जी नंगे पामन भगदियो राजा गए महल में आई दाने की गज मोती नवे तीरा छाती बेच पकाई छाती से लगा लियो और कहने लगो ए क्या कहता है अरे गोदी में बैठा ले परनी या ढवते समझाई या बताए दे प्राणन प्यारी कहां नाग ने खाई कहां नाग ने खाई मेरी परनी कहां नाग ने खाई ए कहां नाग ने खाई ए प्यारी कहां नाग ने खाई या बताए दे जवाब दियो नरवरवारे ने यह बता दे रानी कहाँ से खा ली है कार्य ने महल में आए के गोदिम बैठाई छाती से लगा ली और नल कह रो रे बरनी रात्रि के समय पे श्याप कहाँ ते आगो महल यहाँ कहाँ आगो झड़े पूछ मकान में जग में कितने दिन को मेला पिता के लग रहा हाथ हथेला काय दिन नहीं हिक जागो ठेला कैसे विपत परी नल बोलो रानी और मेरी मैया कहाँ है महाराज तुम्हारी मैया की पूछो तुम्हारी मंजासी महारानी और जो तो है गई काग उड़ानी न मिले समय पे पानी न मिले समय पे पानी कैसे भी पता ए ओ ना मिले समय पे पानी कैसे भी पाते तुम्हारी मैया फूल सिंह पंजाबी की जेल के काग उड़ा रही है और तुम्हारा पिता जेल के अंदर चाकी पीस रहा जाओ जल्दी करो उज्जल तिहारे भाग जब मैया बाप रह गए जेल में तो नरवर की गद्दी के लग जाएगा नल कह रहा है ग्रानी ये गलत बात है कोई मेरे मैया बापन की जेल ना कर सके तो देखो रूप सिंह क्या बनता है अब जो लाखा पंडित जी जो थे ना अच्छो जो पत्थर की लाशन में तो निकल के समाचार लेके आ रहे हैं ठीक बात राजा नल और गजमोतनी का वार्तालाप हो रहा है महल के अंदर और लाखा पंडित जी पहुंच गए ठीक जब लाखा पंडित आते हुए देखो तो राजा नल चरणन में गिर गए और कह रहे अरे दादा तू है दादा कौन ते कह रहा है तू पंडित जी तो कह रहा हूँ अच्छा ठीक है तू ही होएगो क्या कह रहा है नल क्या कहता अरे लाखा दादा आमत देखो और नल एकदम ते डकर आयो या बता दे दादाजी तुरा इकलो कैसे आयो अरे इकलो कैसे आयो सुनी इकलो कैसे आयो या बता दे दादाजी तू इकलो कैसे आयो जमीन में गिर गए हो राजन और कह रहे लाखा दादा तुम तो 60,000 की सेना लेकर के मेरी मैया बापन के सहित गंगा स्नान करने के लिए गए थे अकेले कैसे आए हो अच्छो जी अरे तोए देख के दादाजी मेरो तो दिल घबरायो अरे मेरे मैया बापन ने दादा कहाँ छोड़ के आयो ए कहाँ छोड़ के आयो मसुरली कहाँ छोड़ के आयो
गंगा का पंडित जी से पूछा, अरे भाई दादाजी तुम 60,000 की फौज को लेकर के गंगा स्नान करने के लिए गए थे और अकेले आए हो, क्या बात है? दादा गए हो चौक में रोए, बेटा कहाँ समझाऊं तोए, मिल गए सब कर्मन के मेल, कंपलगढ़ के फूल सिंह पंजाबी ने कर ली तेरे मैया बापन की। ये लो गजमोत्री रानी कह रही है, महाराज मैं तो 2 घंटा से मूंड मार रही हूं, अब जल्दी करो फौज सजाओ और जेल छुड़ाओ, नहीं नरवर की गद्दी का दाग लग जाएगा। तो राजा नल कहने लगो, लाखा दादा से, दादाजी कैसो राजा है उजाने मैया बापन की जेल कर ली। अरे बेटा फूल सिंह जनमत को जाली, दिन को लड़ते हैं जिन, रात को संग लड़ती है काली, जिंद काली संग लड़े 14 विद्या जादू है वाके पास। अच्छा जादू के नाम है, जिंद कालीन के नाम है, सुनके तो तरवान के नीचे है का हवा खिसक गई, पेलती हाथ खड्डे पर के पावन के नीचे। गजमोत्री बोली, बस महाराज महलन में घबरा रहे हो तो तम पे जेल का नव ना छूटे, हड़ा पीछे मैं छुड़ाऊंगी, पर तुम एक काम करो। कौन सो? मेरे तो लहंगा पहरो। अच्छा जी। मेरी साड़ी ओढ़ो और मेरे चुचबंदना पहरो। ये कौन सी पोशाक है भैया? चुचबंदना ना ना समझे तू? ये हम भी ना जाने, एक अंडरग्राउंड होता है अंदर, यानी के ब्लाउज बोलते हैं उससे, ब्लाउज। अच्छा तो बड़ी बात न जाने। अरे बात न, यानी जी जैसे के मानो तुम्हारी सिस्टर और हमारी वाइफ। अच्छा अंग्रेजी जाने, वाह भाई मेहमान ठीक है, मेहमान बहुत जोर को साहब कसर है ना, ये 2.5 किलो तो रही दिवांगे आज। नलकरा गलत बात है, अरे सुन ले प्राण प्यारी नार, और जे तू नाम लेगी हटवे को तो मैं तेरे धरते उड़ा दूंगा नार, और मेरे संग में फौज है 80,000, अभी न्यू मत जाने में अकेला हूं, 80,000 की फौज बाकी है। बिल्कुल 80,000 को जब नाम सुनो तो लाख पंडित बोलो, रे महाराज 80,000 ते तो छो गुना लगे है, 80,000 फौज ते का हुए महाराज कच्छ ना हो। नल बोलो गजमोतनी ते तो 2,000 आदमी और गांव में तो ले लूंगा, बोला अबू ना छूटे। पंडित जी बोले भाई 552 हम दे देंगे लड़वे, खीर खा भी अकू के 52 ना लड़े भाई, इन्हें तो सदागढ़ तोड़े, 52 ने तो भारत देश बर्बाद कर दियो। ठीक बात। गजमोतनी बोली महाराज अबू ना छूटे। नल बोलो तो और तो कोई नहीं है? गजमोतनी बोली महाराज और कोई टटोरो जो तुम्हारे संग आवे लड़े गुथे मरे, है कोई ऐसा आदमी? बोलो कोई नहीं है। अरे कोई ना है, रामायण के किष्कंधा कांड के पन्ना को बदल के देखो उसमें क्या लिखा है। कहा लिखा? उसमें लिखा है धीरज धर्म मित्र और नारी रामा, धीरज धर्म मित्र और नारी रामा, रामा आपद काल पर किए चारी रामा, आपत्काल परखिए चारी। अरे महाराज जब आदमी को ऊपर आफत आवे चार चीजें को परखनो चाहिए, तो तुम आज तुम्हारे वह यार है परखो। कौन कौन सी इनको परखनो चाहिए? बैयरवानी। अच्छा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक बात। धीरज नहीं बिसारना चाहिए, और मिंतुर जो यार जो होते हैं उनको विपता में परखना चाहिए। ठीक। और जो काम ना है विपता में, जब सावन बरसा परखिए, सावन के महीना में बारिश परखो, सावन वर्षा परखिए, और पैदा परखो क्वार, अरे विपता में नारी परखो, और समय परे पे यार, समय पे यार परखो। बिल्कुल भाई, नार वीर यार भी सब तरह के हो, तो तुम्हारे यार परखो आज पता चले तुम्हारे वह मनसुख गुजर को। अच्छा मनसुख गुजर दोस्तों, राजा नल को पगड़ी पलटा यार, और श्याम नगर को मैन पाल गुजर को बेटा। क्या करिए रानी? क्या कहती है? अरे उसे निभाना है मुश्किल है, उसे निभाना है यारी करनो बहुत सुखारो भैया, उसे निभाना है। मुश्किल उसे निभाना है।
उसे निभाना है, मुश्किलें उसे निभाना है, यारी करनो बहुत सुखारो, मुश्किलें उसे निभाना है। अब गजवत्री रानी कह रही है, महाराज तुम्हारे यार को बुलाओ। अच्छा जी, यार कौन? मनसु गुजर मैन पाल को बेटा। मैं तो जेल छूट जाएगी आज, पतो चले तुम्हारो कैसो यार है। यार कैसे रह रहे हैं यार? चार तरह के। चार तरह के? हाँ यार, चार तरह के हूँ। अच्छा जी। एक यार तो हो पैसा को, ठीक बात, कायगडिंग पैसा हो वाते भी यारी करें भाई, कोई टाइम पे काम चलाएगा। अच्छा। और दूसरो यार रहे कई तो पुरानो बैर हो, वह तो पहले यारी करेंगे फिर नातेदारी में ले जाएंगे फिर दारू पीवाएंगे और दारू पीवा के फिर नारे का। दूसरी यारी ऐसी रहे। और तीसरी यारी ऐसी रहे काउ की मलूक सी बहोटिया हो, टनाटन बहु हो। अच्छा। वाके वाते भी यारी करें वह रोज वाके घर आवे जावे, ठीक बात। और वह तो कहेगा भाई तेरी मेरी आत्मा बड़ी फंस रही है, मेरी दिखे ही ना आए तेरे घर आए भी। अरे लगो रे ईटन ने खुके में झंका है जा जाने टन चले जी। और चौथा यार ऐसा होता है जो यार के लिए अपने प्राण दे देता है। तो कहीं ओत नहीं करी महाराज, मनसुख गुजर तुम्हारो कैसो यार है? तो राजा नल बता रहे हैं। कैसे बता रहा हूं? मनसुख भैया नाए तो हटे गोरे, दुश्मन ते बजाए देगो तारा वार। परनी जेल छुड़ांगो रे, आ जाएगो मेरो पगरी पलटा यार। ए परनी जेल छुड़ांगो रे, आ जाए मेरो पगरी पलटा यार। परनी जेल छुड़ांगो रे, आ जाए मेरो पगरी पलटा यार। कोई बात नहीं, मेरो यार आ जाएगो, 80,000 की मेरी फौज है, 2,000 आदमी गांव के, 552,000 दादा के, 1,00,000 की फौज लेके मनसुख गुजर आ जाएगा। गजमोत ने बोली और तन मन धन से मैं चलूंगी महाराज। कहाँ को? जेल छुड़ाए। अरे तो कोई एक लट्ठे मार घुसमुस कर देगा रंडो। नल बोला तू चलेगी? वही तलवार फेंक दी राजा नल ने, गलत बात है, अरे छत्रीन के साथ में औरत लड़ने के लिए नहीं जाती। और फिर मेरा यार आवेगा मनसुख गुजर। गुजर की ये विशेषता है औरत से कुछ नहीं कहते, बहुत शर्मीली जाते गुजर की। यही बात है, अगर औरत सामने से आ रही होगी तो गुजर दौड़ो पीठ फेर के ठाड़ हो जाएंगे, मुंह फेर के ठाड़े हो जाएंगे और घूंघट काट लें बेचारे। जरूर भैया घूंघट ना काटे तो ये खुद ही काट ले, खुद काट ले। इतनी सीधी जात होती है, बहुत सीधी जात, ना कहे कि हंसी मजाक करना जाने, ना बिल्कुल ना जाने। ये तो बिल्कुल भगवान के चरणों के सेवक है ना ये गुजर। अगर भैया की छाया भी देख ले तो 3 दिन हाथ तो छाया काट के फेंक दे फावरे में, इतनी सूदी जात है साहब, देखो सही। अरे भगवान इन्हीं को भलो करेगा बस, और जात सब यही बात है, बेईमान जात गुजर। अबे सारे पिटे को पता है कैसा एहसान है बिरादरी को, क्यों तू बिरादरी क्यों एहसान ना है? ना मोह पे कोई एहसान ना बिरादरी, क्यों मेरे लिए कहा मांगे बिरादरी?
आयु सही है भैया, इतने गुजर बस रही है दुनिया में, एक छोरी का ना दी गई अब बिरादरी कैसा है जब बिरादरी का करो ही ना आए आपको ना? तो बिरादरी को चाहे हुक्का भरे चाहे मत भरे, वो तो मेरे मन की मर्जी है, भर दू तो भर दू, शर्मा सर्विनाज ना भरू तो गजवा दिन ते नल कह रहे हो मेरो यार आवेगो, और तू संग लड़ने के लिए जाएगी छत्री जाते गुर्जर की, और तू तू देखेगो मेरो यार तो रूस के चलो जाएगो कि भैया बानी संग लड़ने के लिए ले जा रहा हूँ, औरत लड़ने के लिए जा रही है भाई, मैं नहीं जाऊंगा। गजमोतनी कह रही महाराज मैं मनाए लूंगी, क्या कह रहा है नल, क्या कहता है? यार मेरो ना मानेगो, मित्र मेरो ना मानेगो, उलटो भगत जाएगो मन सुख यार, चलो जबी जेल छूटेगी, और गावे बारे भी आवाज कह दे करें कैसे, बड़ो लुगाई को सहारो, बड़ो लुगाई को लोगो आज काल को समय सहारो, बड़ो लुगाई को ए बड़ो लुगाई को समय ले, बड़ो लुगाई को अरे बड़ो लुगाई को देख ले, बड़ो लुगाई कह रही है महाराज मुझे संग में ले चलो, अरे नल करा रानी मेरो यार आवेगो मनसुख गुजर, और औरत छत्री के साथ लड़ने के लिए नहीं जाती है तो मेरो मिंत्र भगत जाएगो, अगर मेरो यार मनसुख गुजर रूस के चले गए है तो मुंह पे जेल नहीं छूटेगी। गजमोत ने कह रही है महाराज मैं मना लूंगी तुम्हारो यार रूस है गो, तो नल कह रहे हो नहीं मानेगा ना मान, बोलो मना लूंगी और ना मानेगो तो सुनो मैं ऐसे हिसाब से चलूंगी कि ना तुम पे पहचनू ना तेरे यार पे पहचनू, ऐसे कैसे चलेगी रानी? मैं चलूंगी महाराज, अरे पिया वे तो दार दूंगी भेसर जनानो, अरे पहर चलूंगी पीरन को बानो, महाराज जनाने वेश को यही धर दूंगी और मर्द बन के चलूंगी, बन के मर्द पिया तेरे संगा जाऊं, दुश्मन ते मैं तारा वार रे बजाऊं, मैया बाप मैं छुड़ाए के लाऊं, ओ दावेदार रे गजमोती नो थाड़ी के हीराही, ए ढुल क्या यार रे गजमोती ने थाड़ी के मर्द को भेष धर के चलूंगी। गजमूत नहीं बोली, नल बोलो ठीक है मान ले तेरी बात कि तू मर्द को भेष धर के चलेगी, पर गुजर की निगाहतो बहुत पैनी होए भैयर के मामले, अरे गुजर तो ऐसे निगाह कचका दे जैसे डीजल के चक जा ट्रैक्टर की नलीन में, एक जगह ते पहचान लेगो तू, मर्द बन जाएगी जब भी एक जगह पहचाने, बिल्कुल बोलो कौन सी जगह थे, चाहे कितने ही बदल ले बेना ना छिपे रे नार की नैना, रानी चाहे कितने मर्द को भेस धर ले पर बैयरवानी की आंख ना छिपे कभी, तेरी पोती भेसन किसी आंख भट्टी भट्ट देखे आदमी मऊ आखन पे तो तू पहचान लेगो। गजमोत्री बोली महाराज काजर छुड़ा लूंगी, काजर छुड़ा लेगी तो एक जगह तो पहचानेगो, कहां थे तजबे चाहे घूंघट गाती अरे रानी
तेरी ऊंची नीची छाती छाती पे तो पहचाने को बिल्कुल पहचाने को तेरा डिब्बा से बंद है रोंडन की बेटी डार लेंगे उल्टी सिल्टी से दावे दब जाएंगे तो बोला ठीक है दो जगह तो नहीं पहचाने की तो तीसरी ठौरी एक और जगह तो पहचाने को कहां थे बोले वो कौन सी है डार ले बिंदु कन में गोली जब पहचाने को बात बोलेगी बोली तो आठवें दिन उठ हंसी मजाक करके जाए तो तेरी भाषा ना पहचाने को बिल्कुल तू नित की बात कहे जब वो है वो देवरिया खंदेवरिया अच्छा जी तो तेरी भाषा ना पहचाने को का बिल्कुल पहचाने को तो गजमोत्री बोली महाराज मैं यह भाषा ही ना बोलू मैं बोलूंगी मारवाड़ की भाषा अच्छो जी कैसी रही मारवाड़ की भाषा तू नहीं जानता है? हम ना जाने भाई मारवाड़ की भाषा यही है मंदिर में आरती है री मारवाड़ी मंदिर में चले गो एक एक बाबा जी ढोल के बजा रहे हो तो मारवाड़ी करे धामड़ धुमड़ कुटेना इतलाकड़ी बितलाकड़ी बिचलाकड़ी फोल लेना तो बीच में तो ढोलक पोली रहे दे थपाड़ा बीन जाना थप्पड़न ते बजा रहो अभी रामवीर देख ले थप्पड़न ते बजा रहो और टुन टुन मुन टुन टुन जाना एक बाबा जी वो टंट्यारी बजा रहो आरती कर रहे ठाकुर जी जरूर और आग लगा के फूक के आना एक बाबा जी पांच सात अगरबत्ती ने जोड़ के धूप दीप कर रहे और मूत काट के छिट्टाना उस शंख में ते पानी निकाल के ठाकुर जी ने छींटा लगा रहो ठीक बात और शीतल स्वापित शंख थे अच्छा और थोड़ा थोड़ा बुगला का सा बच्चा शंख धरो ना एक बाबा जी उठाना जोर लगा के भिचाना शंख मड़ा के चिचाना मारवाड़िया मारवाड़े भग गया ऐसा मतलब ठीक नल बोलो ठीक है बोली भाषा ते भी तू ना पहचनेगी आंखन पे तो काजरे छुड़ा लेगी जब ना पहचनेगी छाती पर रोंडन की पेटी डाल देगी तो ना पहचनेगी तीन जगह ते तो ना पहचनेगी पर एक जगह तो पहचनेगी कहां थे रानी चाहे कितने करो कमाल और देख मरनी तू चलेगी चटकती चालो तेरी चाल ना पहचाने को मर्द की चाल में भैया वानी की चाल में तो बड़ो फर्क है बिल्कुल तू अब बीच में गिलबिलाट पड़ेगा तू लचपच करेगी हाँ गिलबिलाट पड़ेगा बीच में पहचाने गजमोहतनी बोली महाराज पावनी ना चलू घोड़ी के ऊपर रहूंगी अच्छा तुम्हारा यार कैसे पहचाने को मन नल बोलो ठीक चार जगह तो पक्की बात है तू नहीं पहचनेगी लेकिन एक निशानी तो तेरे अंदर ऐसी फिट कर दी भगवान ने वाय कांदो का ही वो कौन सी निशानी है देखो लोग जाने क्या समझ रहे हैं हाँ वही समझ रहे मीजू का वो बात रही है अच्छा, हाँ ये तो कोई और ही निशानी है महाराज वो कौन सी निशानी है अरे वो तो चोरे छट में दिख रही है जो निशानी जाते तो पहचाने को मेरे यार अच्छा बाहर को है हाँ बाहर है और क्या ठीक बात अच्छा तू वहाँ पहुँच रही को डिपो पे हाँ वही बता रहा हूँ क्या बताया बताइए बरनी चाहे कितने करो कमाल अरे और जगह ते तो ना पहचने गी रानी चुगली करे ना कतेरी को जो तेरी नाक में साल है इचोरे चट में दिखे या कि यह बंद कर काई थी या सुल्का बंद कर ले ये कैसे बंद होए या गैस वेल्डिंग करवा ले ये बहन की जान मारू ये नाकन की गैस वेल्डिंग होएगा आदमी की कहीं तो फिर कैसे रुकेगा कोई साल जो तो है वो जो थे ही गयो या तार कोल डांबर फांबर ठोकवा ले छीतो पे कछु डांबर तार कोल ना टक रहे या नाक जो नथनी को जो साल है याते पहचाने तो गजमोत ने हाथ जोड़ के ठाड़ी है गई और कह रही है महाराज अगर मेरी वजह से तुम्हारो यार रूसेगो तो मेरी गारंटी मैं मनाऊंगा अच्छा ठीक है जाओ और पिया एक बात जावे थे चल रही नहीं मैं तुम्हारा संग भी ना चलती कौन सी बात है रानी अरे देश पिया बीच में परे गो बंगालो देश बंगालो देश पड़ेगो जहां विद्यागर जादूगर नर नारी अरे तुम पे जादू रे चलानो ना आवे अरे पे
सत्य हरि नाए तो पड़ेगी पिया पेस, अरे पेस प्यारी नाए तो पड़ेगी पिया पेस, अरे पेस प्यारी नाए तो पड़ेगी पिया पेस। महाराज बीच में बंगाल शहर पड़ेगा और बंगाल देश में पूरे नरनारी जादूगर हैं। तुमने तरवार बजाई है, दाने मारे, कभी जादू नहीं चलायो। मेरे पास में 14 विद्यार 8 वीर हैं, तो मैं तुम्हें बंगाले पार करा के हेटी चली जाऊंगी। ठीक बात, नल के जच गई। अच्छा रानी जाओ, तुम मर्द बन के तैयार हो जाओ और मैं मेरे यार मनसुख गुर्जर के लिए पत्र लिखता हूँ। तो कैसे अपने मित्र मनसुख गुर्जर के लिए पत्र लिखा है? अच्छा जी, सीधा श्री रे सवालायक हो ओ महावर योग बने रहियो जी, हम में छल छंद अनेक भरे तुम सायर सूर सदा रहियो जी, हमसे देख दीन गरीबन की पता भंजन आप लखे रहियो जी, जेल बही है मैया बाबन की एक लाख की फौज सजियो, अरे मैं तो आ रहा हूँ गढ़ नरवरते तू बंगाले के मेरे पे पयो भाई। अरे जाने लिख लिख के रे परमानो, अरे जाने लिखो लिख के चिट्ठिया दावेदार, अरे खोजा के आतन दे दाई, ए जाने लिखो लिख के चिट्ठिया तुल क्या यार रे खोजा के दे दई हाता, ए जाने लिख लिख के पुरया तुल क्या यार ओ खोजा के दे दई हाता। राजा नल ने अपने यार मंत्र मनसुख गुर्जर के लिए वो चिट्ठी परवाना लिख कर एक सिपाही का हाथन भेज दियो मेरे यार के लिए, और वहां में लिख दई कि मैया बापन की जेल है गई है 1,00,000 की फौज सजा के, और आज से 4th दिन तू बंगाले के मेंढे पे पा जियो। अच्छा जी, अब वहां तो चिट्ठी मनसुख के पास पहुंच गई। 80,000 का दल सजा लियो लाखा दादा ने, 2,000 आदमी गांव के, 552 लाखा दादा के, फौज सज के तैयार है गई और गजमोतनी अपने महल में मर्द बन रही है। सब कैसे मर्द को भेष धर रही है? छी तो कैसे बन रही है बताइए। रख अरे महलाना में तो रानी भैया आई, अरे मलमला के तो मोती न नहाई, जेवर कोरी मंगवायो जाने सवा सिंगार उतारो, लहंगा खोलो घूम घुमारो, झटका दे के तोड़ दियो नारो, जनाने भेस को उतार रही है वो। अच्छो अब हाथन की छुड़ाए दई मेहंदी, माथे की फन्नो फेंक दई बेंदी, हाथन की मेहंदी और माथे की मेहंदी चौमासे को बादर, थूक लगाए की घिस दियो काजर, थूक लगाए की घिस दियो काजर, आखिर को काजर थूकते छुड़ायो। अरे भाई वाह, कछुते छुड़ा ले कोई मतलब है? अरे मोड़े को छुड़ाए दियो केवर, सबरो धरो रे खोल के जेवर, बजनी धरी रे खोल के नेवर, कैसे पहचाने गो मनसुख देवर। और क्या कर रही है वो? क्या कर रही है? मोहड़ो गोल रे रंग की भूरी, अब हाथन ते उतार दई चूरी, जाने सजता करिए ना भूले, खोले सोने के हत फूले, वैसे रिसमे भैया जेवरी, बिछुआ खोलिए साट नेवरी, धर की ओणी बन रही है टुंडी, और बाजुन की खोल दई घुंडी, अरे धरती को उजरायो उमका, दुकानन के खोल दिए झुमका,
सब सिंगार उतार के धर दियो जनानो। हम्मे और दर्पण के आगे ठाड़ी, अरे रेशम की तो धरी दई है साड़ी, रेशम की साड़ी धर दई। अच्छो जी, लहंगा खोल दियो ठीक, चूनर उतार दई, हम्मे चोली हटाए दई, बिल्कुल है जी पैदल पलटन। अब क्या पह रही है, क्या पह रही है? अब धन सज रही है चारों ही जामा, पैरों पलामो दारो पाजामा, छत्री वालों पलमदार पाजामा पहन लियो। अच्छो जी, अब जाकी को ना करेगो वोटे, जीना जरा पहरो ए कोटे, सिर्फ है उड़ो ए फौज को टोपे। अब मत समझो बात मेरी झूठे, पक्के कसेरे फौज के बूटे, फौज के बूट मेरे टोप कोट छत्री बानो। और क्या कर रही है? अरे बन रही बिन मोछन को पट्टा, अरे कंधा पे हरियो दुपट्टा, 20 बरस को पट्टा बन गई, जग रेख भी ना होगी अभी। अच्छो, राजा नलबा हरते आयो, रानी को देखो ये रूप सवायो, जाके प्यारा जिगर में फसीगो, नल रूप देख के हसगो। बड़ी बढ़िया बनी है तू तो। अरे मोतनी कह रही है महाराज कहो क्या कसर रह गई? ना कोई कसर ना। नल बोला कोई कसर नहीं है, बस एक बात की कसर है। कौन सी की? चले जाएंगे रानी तेरे से डा, सिर्फ बांध छीट को हेटा, ये कई बात की कसर मोतनी, बिन मोछन काये में लगावेगी एठा भाई। होटल पर रेखना होगी छत्री बानो, राजा नल कह रहा और कोई बात की कसर नहीं है, पर बिन मोछन काय में लगावेगी। दो भैयान की से लग रही जोड़ी, राजा नल को उड़नो घोड़ा और गजमोतनी की लीले रंग की कढ़ैया, दामर धुमर कुट्टानार, खाल कड़ा के मिडानार, इतलाकड़ा बितलाकड़ा बीचलाकड़ा बोलेनार, दे तपाड़ा बिंढाना, टुंटन मुंटन टुंटाना, आग लगा के फुकानार, मूत काट के छिंटाना, धोड़ा धोड़ा बुगला का सब चाणार, वह मड़ा का उठाना, वह मड़ा का भिचाना, वह मड़ा का चिच्चाना, वह मड़ा का। भाई बहुत बढ़िया, इमारवाड़ की बोली। अच्छा, या को मतलब कोई? अरे मतलब या को यही है कि मारवाड़िया नाज पिसावी के गयो चक्की में, सब दुनिया न्यू कहे कहाँ जा रहे हो भाई, चून पिसवावे, कितनी झूठ बोले, चून कहूँ पिछो करेगा, न्यू कहना कहे नाज पिसाव जा रहे हो, न्यू कहना चाहिए सब दुनिया न्यू कहे आटा पिसाने जा रहा हूँ। अरे आटा ये तो सर पिसावे कहा या को? अरे ऐसी तो बहुत चीज बोली खे रहा हूँ। तो कौन सी क्लास में पढ़ कहा तू, यह बात बता। तो कोई भैया हमने ये राजा होगा दयान पे चढ़ेगा, घोड़ान पे चढ़ दी ना देख भैया, कोई दो भी है का वो, ये भी कोई मतलब हो। घोड़ी पे चढ़ के गजमोतनी 80,000 की फौज सज के तैयार ठाड़ी, एक पोत तो घोड़ी पे चढ़ के आगे गई फौज के आगे, एक पोत पीछे को आई, फौजी बोले तैयारी जैसे तैसी, ई का ई अफसर देखो ही ना कान, ई भाई कोई बढ़िया कोई अफसर ई तो आज आयो, ई कहां से आयो और कौन से इलाके को ही आके, इतनो भारी शरीर है रेख फेख भी ना उठी आके, आपस में दुनिया चर्चा करने लगी फौजी। जरूर भाई और दिन तो देखो ना ही अफसर, आज ही देखो, ये फौजी बोलो सारे ओ ये अफसर नहीं है, ये तो अमरीका से आयो है और वहाँ आदमी इनके खून की मांग है रही है, आदमी इनके खून की मांग हुई है अमरीका में, सो फौज को खून खींच के जाएगा, ये बढ़िया बढ़िया जवान अंटट हो रहे, बढ़िया बढ़िया अंटट हो रहे, जैसा हमारे ढुल क्या रामवीर ऐसे में तो खींचेगा खून, जिनमें 2-4 बोतल से कोई फर्क ही ना पड़े। ये बात फौज सज के
राजा नल ते बोली, गजमोतनी महाराज मैं तो तुम्हारे यार पे ना पहचनू, और पहचनवाओगे तो तुम पहचनवाओगे। क्यों? कि तुम ना घोड़ा देखो, ना फौज देखो, ना फौज कमांडर देखो, ना सिपह सालार देखो, और तुम मेरे माओ क्यों देखो ज्यादा। नल बोलो, रानी गल्ले नार इतमित को करूं, पर क्या करूं, तेरे माई को आजा लुढ़क लुढ़का, क्योंकि तुम मेरो प्यार फंस रहो। बिल्कुल, दिल ज्यादा है, दिल में दिल मिल गो, आदमी में आदमी घुस गो। चलो भाई चलो, तो आज रानी गजमोतनी मर्द बन के जा रही है, 80,000 के दल को सजाए के राजा नल अपने मैया बापन की जेल छुड़ाने के लिए नरवरगढ़ से छीतो। कैसे चल रहा है? अरे पलटन बढ़वाए दे राजा नल ने, एकदम दीनोय हुकम सुनाए, चल दियो मेरे सहजादे, अब क्यों राखी देर लगाए, बधिया सजवाए दई गुजराती, जो धरती में टेक न पाए, तोप धराए दई जब चरखे न पे, और आगे तू दई बढ़ाए, लाखा दादा संग में जाए रहो, पत्रा पोता लिए उठाए, घोड़ी पे चढ़ गई गजमोतिन, भैया सुन लो कान लगाए। यार अनक टोटी चीजन ने गाय वजन कहां कहां ते लागे? कैसे बैसाख में कहां चीज प्यारी लगे? भट्टा बैंगन। क्यों बैसाख में भट्टा बैंगन क्यों प्यार लगे भाई? ये ऋतु को पलटा पड़े इस समय को। तो या में कौन सी ऋतु आवे? ऋतु ऐसी आया में कि बैसाख के महीना में लगा लो तुम के बैयर जब गर्भवती रहेगी, जब वहां को मन कई चीजन करे, चूल्हे की माटी खाए, ठिकरन ने खाए, मुल्तानी माटी खाए, कोयला न खाए, राख है खाए, और प्यारे से काम की छोरी बहुत सी बैंगन ने खाए। अब मेरे हाथ के सहारे बैठो। ये चित्र प्यारी गाढ़ी लागे और बैसाख में लगे भटा, चिट में प्यारी लगे निंदड़ा, साठ में प्यारी हिले नटा, सामन प्यारी लगे हरियाली, भागो प्यारी काली घटा, द्वार में प्यारी लगे कनाग, कातक प्यारी लगे कथा, अखेल में प्यारी लगे गुदरी, भूस में प्यारी लगे सपा, महा में प्यारी भैया लगे, फागन प्यारो लगे लठा। फागन में का चीज प्यारी लगे? लठ। चाय भले तो 90 वर्ष के चाय तो फोड़ते हंसे ही हंसे, और जब दूसरा आदमी पूछेगा ना खून दिखे टपकते, अरे का है वो तेरे? अरे भैया भाभी लठ दे लियो भाभी ने। तो फागन में लठ प्यारे लगे जरूर। अब देख ये चीज तो इन महीना में प्यारी लगे, जेठ मास में तीन दुखियारी, जेठ के महीना में तीन चीज दुख पावे छीतो, मोर पपैया को हल प्यारी, क्यों बागन में हरियाली ना रहे ना। ठीक बात। चौमासन में तीन दुखियारी, बरसात के महीना में तीन चीज दुख पावे, ऊंट बकरिया भेड़ बिचारी, और जाडेन में तीन दुखियारी, रंडवा पड्डा बालक वारी। अरे भैया मेरे नाल राजा ने पलटन सो दई है बड़ावा, और क्या मेरे बपैया पलटन सो दई है पाढ़े माए।
सो दीने पाजे दाए भैया में समझ आए रे ओ तो जेल छुड़ाए वे चल दियो राजा अब तो राम ओ करे सो भैया हम पेश कर रहे हैं फूल सिंह पंजाबी की लड़ाई यानी कम जिस ढोला के गायक हैं हरिराम गुजर गांव अलावड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान स्वरदेरे रूप सिंह पपैया रिदिम पर साथ दे रहे रामवीर तूफानी भैया और छीको चिमटा को बजवैया क्या बनता है राम तो राजा नल की फौज पहुंच गई है लाला बंगाल के मेड़े पे अच्छो जी कि जा जगह को मनसुख को ठिया धरो मनसुख के लिए ठिया लिख दियो तो हो आए गए बंगाल पलटन सो दइए डाटावाए आए गए बंगाले में पलटन सो दइए डाटावाए आए गए बंगाले में पलटन सो मनसुख की बाट देख रहे नल और गजमोतनी हाँ अरे तंबुआ तन गए भैया आपस में सो रहे बाताराए ए तंबुआ तन गए भैया मैं तन गए भैया रे आपस पति महाराज तुम्हारो यार ना आयो मैं जाके तुम नु कह करे कि मेरे संग मर जाएगो कट जाएगो फंस जाएगो तू नहीं भग दो भी तीन दिन है गए अब तक ना आयो आवेगो जरूर आएगो यार तिरो अब ऊ ना आयो